जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज ऑफ World War II. In our previous lecture, we have discussed, I explained here about the four events: fascism in Italy, Nazism in Germany, militarism in Japan, and global depression in the 1929 to 1932. There is a change in the world, and dictatorship come, or there is the chances, seeds growing of for the Second World War. As we have discussed, there is a power of Mussolini, Italy, Hitler, and militarism in Japan. This became very powerful, and this country avoided by the Allied nations in different treaties and other benefits. So they are against of them, especially Germany, who was compelled to Versailles Treaty. So the people, those who wanted to be take the revenge, it became the causes of World War. स्टूडेंट्स, जैसा हमने हमारी पहले इस चैप्टर की पहली जो क्लास थी, इस चैप्टर की थर्ड चैप्टर की, उसके अंदर हमने विश्व के अंदर जो परिवर्तन आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, उसमें नए नए पावर जैसे फासिज्म इटली में आया, नाजीज्म इन जर्मनी, मिलिट्री पावर जापान ने बहुत बढ़ा दिया, और फिर इसके बाद में यहाँ आर्थिक तंगी और आर्थिक मंदी, ग्लोबल डिप्रेशन भी हुआ, ये एक कारण बना विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। जैसा हमने कुछ कंट्री ऐसे थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उनको जैसे जापान और इटली जैसे तो एलाइड नेशन थे, उन्होंने कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, न तो एरिया के बंटवारे में दिया, ना और कोई बेनिफिट्स दिए, ना ऐसा कोई लीग ऑफ नेशन में उनको अच्छा पद दिया, जिसकी वजह से वे रूठे हुए तो थे। अब ये जो रूठने का जो कारण था, ये अलग होते गए लीग ऑफ नेशंस के बाद, और इस तरह वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस को बनाए। चलो आज हम डिटेल में जाकर पढ़ते हैं किस तरीके से क्या क्या कारण रहे। तो देखिए, द सीड्स फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन शोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी लॉस्ट हो चुका था, और उसको कंपेल किया गया वर्साइल के ट्रीटी और उसे अनजस्ट पॉलिसीज, और तभी से सेकंड विश्व युद्ध के बीच तो बो दिए थे 1919 के अंदर ही। पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिसप्लीज्ड मेनी नेशन। पेरिस के अंदर जो ट्रीटी हुई उसने कई कंट्री को नाराज कर दिया, और ये 1939 से 1945 के बीच में ये विश्व युद्ध, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ, उसके लिए कारण बना। अब उसमें से अगर हम लोग कॉजेज पढ़े, जो भी कारण हैं, रीजंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है फायर्स नेशनलिज्म, ग्रुपिज्म, मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, और जर्मन अटैक ऑन पोलैंड।
तो आपस से ध्यान रखना कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर, फायर्स, नेशनलिज्म, ग्रुपिज्म, मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एज ए इमीडिएट कॉज। तो ये हमारे सेवन रीजन्स हैं जो कारण बताएं। सबसे फर्स्ट हम गोइंग टू फायर्स नेशनलिज्म। तो देखिए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फायर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसा आपने पहले चैप्टर्स के अंदर उनके लिए स्पेशली हमने पूरा डिस्कस किया था, राष्ट्रीयत्व की भावना का उदय हुआ जबरदस्त तरीके से किन कंट्री के अंदर, इटली, जापान और जर्मनी में। जर्मन कुड नेवर फॉरगेट ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और जर्मन के जो लोग थे कभी भी वर्साइल की ट्रीटी को नहीं भूल सकते थे। कंसिक्वेंटली हिटलर कैप्चर सम प्रोविजन ऑफ ऑस्ट्रिया, और उसके बाद में हिटलर जब पावर में आया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सबसे पहले कौन कौन से प्रोविजन को हड़प लिए, ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोविया। फॉलोइंग नाजी फिलोसॉफी, नाजी फिलोसॉफी के बारे में हमने डिस्कस किया है, जर्मन मस्ट गेट ऑल द ट्रूप्स प्रोविजन वर जर्मनी वर स्टेइंग, इटली कुड नॉट फॉरगेट इट्स इग्नोर इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। देखो इस तरह पहला फायर्स नेशनलिज्म का उदय क्यों हुआ कि देखो जर्मनी की जो राष्ट्र के लोग थे उसमें राष्ट्रीयता की भावना कुट कुट के भरी हुई थी, और दे वांटेड टू टेक द रिवेंज ऑफ द वर्साइल ट्रीटी, और उसी समय हिटलर जैसे तानाशाही व्यक्ति का शासन आया। फिर यहाँ इस फायर्स नेशनलिज्म में इटली कुड नॉट फॉरगेट इट्स इग्नोर्ड इन ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जैसा हमने इटली के अंदर पढ़ा था, इटली के इस पार्ट के अंदर हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इटली ने 12 बिलियन डॉलर रुपीस खर्च किए और 6 लाख सोल्जर्स गवाए थे। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद में एलाइड नेशन ने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, और मुसोलिनी स्टार्टेड द फायर्स, और इस बात के ऊपर मुसोलिनी ने सत्ता हत्याई और फायर्स नेशनलिज्म एंड एडॉप्ट इंपेरियलिज्म पॉलिसी, और उसने इंपेरियलिज्म पॉलिसी को बढ़ावा दिया। ऑन द अदर हैंड जापान टू गेव द इंपेरियलिज्म, और साथ साथ में जापान ने भी इंपेरियलिज्म को बढ़ावा दिया, और इस तरीके से देखिए द वर्ल्ड पीस वॉज इन डेंजर। अब इन तीनों कंट्री के नेशनलिज्म की भावना प्रोड्यूस होने से विश्व अशांति के खतरे में आ गई। तो इस तरीके से देखिए फायर्स नेशनलिज्म प्ले द वाइटल रोल फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट में है आपका ग्रुपिज्म। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो जर्मनी और फ्रांस का जो चक्कर था आपने बहुत फ्रैंकफर्ट से स्टार्ट किया था हमने, ध्यान में हो। ऑलवेज अफ्रेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रांस को हमेशा जर्मनी का डर था, क्योंकि जर्मनी ने, फ्रांस ने क्या किया था, वर्साइल की ट्रीटी में इतना उसको कंपेल दबा दिया, और उसको डर था कि कभी भी क्या कर सकता, अटैक कर सकता है। सो व्हाट डिड ही डू, इट एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड चेकोस्लोवाकिया। अब देखो इसने किसने किसके साथ यहाँ पे संधियाँ कर ली, वो थी बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड चेकोस्लोविया। इटली साइन ट्रीटी विद चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया। अब देखो यहाँ ग्रुप दूसरे, इटली ने किस किस के साथ ट्रीटीज की, रशिया ने साइन किए थे ट्रीटी विद जर्मनी, रशिया ने ट्रीटी की जर्मनी के साथ में, तुर्की और लिथुआनिया और ईरान के साथ। फिर इटली फॉर्म द रोम बर्लिन टोक्यो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इटली फॉर्म द रोम बर्लिन टोक्यो। रोम कैपिटल ऑफ इटली, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, टोक्यो कैपिटल सिटी ऑफ जापान। इन तीनों का एक ग्रुप बना, एक्सिस ग्रुप विच सपोर्ट द जर्मनी एंड जापान, जो जर्मनी और जापान को सपोर्ट कर रहे थे।
इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म द अनदर ग्रुप, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का डर था इन देशों से, तो उन्होंने भी एक नया ग्रुप फॉर्म किया विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले जितने कंट्रीज थे उनके साथ ग्रुप फॉर्म किया। एंड जर्मनी साइन नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया, रशिया के साथ उसने नॉन एग्रेसिव पॉलिसी के लिए उसने साइन किए। तो इस तरह वर्ल्ड डिवाइड इनटू ग्रुप्स, ग्रुपिज्म बनने की वजह से विश्व युद्ध का एक कारण बना है। मिलिट्रिज्म, तो देखिए ऑन वन साइड एफर्ट्स वर बीइंग मेंटेन पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक और एफर्ट्स चल रहे थे विश्व में शांति के, विश्व में शांति के लिए प्रयास चल रहे थे। यूरोपियन नेशन वर कॉम्पिटिंग एम्युनिशन, और उसी समय यूरोप के लोगों में एम्युनिशन मतलब हथियार बढ़ाने की होड़ बढ़ गई थी। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन इंक्रीज इन द होल यूरोपियन नेशन, हर यूरोपियन नेशन में एक होड़ मच गई ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम उन्होंने झेल रखा था। वॉर वेपन्स बेटर देन अदर, और एक दूसरे में क्या होड़ थी, एक से दूसरे से अच्छे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ अच्छे बींग मैन्युफैक्चर करने का प्रयास किया गया। सम नेशन लाइक कुछ नेशन जैसे रशिया जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, रशिया और जर्मनी जैसे कंट्री ने तो मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी, कंपल्सरी कर दी, हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग लेने की बात कर दी। All nations began to inducting more men into navy, air force and army. अब सभी जरा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेनाओं को भी बढ़ाने लगे, वेपन्स बनाने लगे। इन ईस्ट जापान इंक्रीज, ईस्ट में जापान ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया। फाइनली द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन द इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप देमसेल्व्स विद द वॉर वेपन्स, और जब जर्मनी और सॉरी इंग्लैंड और जब फ्रांस ने जब अपने इक्विपमेंट आगे बढ़ाए तो उन्होंने युद्ध की घोषणाएं शुरू हो गई। तो इस तरह से देखिए वर्ल्ड के अंदर ग्रुपिज्म के बाद में मिलिट्री पावर बढ़ता गया, एवरी कंट्री की देयर इज अ कॉम्पिट टू मेक द बेटर वेपन्स टू द अदर्स, और दिस कॉम्पिटिशन ने क्या कर दिया कि मिलिट्री को जन्म दिया, मिलिट्री इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मिलिट्रीज इन अ थ्री ऑफ फील्ड। तो यह हमारे एक कारण बना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। एज वी नो देखिए वर्ल्ड पीस आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ था, मैनी पीपल्स लोग मर गए थे, इसके अतिरिक्त उसके बाद का भी प्रभाव बहुत बुरा था। सो वर्ल्ड वी वॉन्ट टू बी ए ग्रुप, पूरे विश्व एक समुदाय एक ग्रुप बनाना चाहता था और उसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। बट नाइदर कुड इट बिकेम सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुप्रीम नहीं बन पाई, मतलब इट कुड नॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट कंट्रोल द सुप्रीमेसी ऑफ द पावर प्रिंसिप है ना, और वो जो उसके प्रिंसिपल्स रखे थे उस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं चल पाई। मेंबर नेशन वर नॉट ओब्लाइज टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड एक्सपेक्ट द जजमेंट बेस्ट, अब देखो वो अपना खुद का सॉल्यूशन खुद निकालने लगे, उसने किसी तरह जजमेंट को लीग ऑफ नेशन के जजमेंट को स्वीकारा नहीं। तो ये जो लीग ऑफ नेशन जो थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, बट ये जो सफल हो नहीं हो पाई रशिया, देखो इनिशियली कारण क्या था कि रशिया एंड जर्मनी स्नैप्ड देयर टाइज टू द लीग ऑफ नेशन। शुरुआती दौरों में क्या किया कि जैसे रशिया और जर्मनी ने स्नैप अपने पार्ट को हटा दिया, इटली जापान मूव्ड बिकॉज वो भी चले गए, इटली कैप्चर्ड अब्जीनिया, जापान अटैक मंचूरिया,
है ना, वो सब लीग ऑफ नेशन से हट करके उन्होंने क्या कर दिया, इन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया। इटली ने किसको कैप्चर कर दिया, अब्जिनिया को। जापान ने अटैक किया मंचूरिया को। जर्मनी हैड स्नेच्ड अवे द प्रोविजन, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को ले लिया, उसका हड़प लिया। स्टिल लीग ऑफ नेशन को डू नथिंग, और लीग ऑफ नेशन इस कार्यवाही के बाद भी कुछ नहीं कर सका। The greed of all the power among us, the several nation became stronger, the League of Nation. अब देखो इस League of Nation ने क्या कर दिया कि stronger बनाए, and it could not stop groupism. और ये जो League of Nation था उसने groupism को क्या न कर सका, रोक नहीं पाया। और दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, और ये लीग ऑफ नेशन जिस काम के लिए उसको बनाया था उसी में वो सफल हुआ, तो ये भी एक कारण रहा विश्व युद्ध के लिए। दिस इज बिकम द रीजन ऑफ द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, किसका, इसका फेल होना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साई, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल गॉट इट्स फॉर्म टू द पेरिस पीस प्रोसेस के नाम से जानी जाती है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिंस जर्मनी हैड फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर, और जिसके अंदर क्या बताएगा, जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल माना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, एंड इट हैड पे 6.5 बिलियन, देखो उसको कितना, 6.5 बिलियन डॉलर पाउंड वॉर फाइन के रूप में देने पड़े, 6.5 बिलियन पाउंड। इट रूर प्रोविजंस टेकन अवे, उसके क्षेत्र लिए गए, है ना, इट्स रूर एरियाज हैज बीन टेकन, रिवर को ओपन करना पड़ा इंटरनेशनल वाटरवेज के रूप में, एंड सच एन अनफेयर मिलिटेशन ट्रीटी वॉज फोर्सिबली इम्पोज इन जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर फोर्सिबली फोर्स के साथ में कंपेल किया गया इस वर्साइल की ट्रीटी को मानने के लिए। द जर्मन डिटेक्टर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल एज ए पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, और हिटलर ने इस पेरिस पीस प्रोसेस मतलब वर्साइल की ट्रीटी को एक प्रॉपर प्रोसेस डिक्लेयर किया और उस ट्रीटी को उसने तोड़ दिया। पीस ऑफ पेपर बताया, अनाउंस टू रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इस रिजेक्ट की वजह से एक कारण बनी हमारे वर्साइल की ट्रीटी। तो वर्साइल की ट्रीटी एक अनेक ग्रीडी नेशंस ने अपना अपना काम पूरा किया था और जर्मनी के साथ एक थोपी गई बहुत कंपेल करके, और उसका बदला लेना उसके लोगों में था, और हिटलर जैसा तानाशाही व्यक्ति आया। फिर आता है इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, हिटलर के एम्बिशंस पॉलिसीज। तो हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध की अगर बात करें उसका फाउंडर कौन था, हु इज द फाउंडेशन, हु पुट द फाउंडेशन, तो वी कैन से द हिटलर। He had the fierce nationalism and military nature. देखो मिलिट्री नेचर का व्यक्ति था और उसमें फायर्स नेशनलिज्म राष्ट्रीयता के प्रति बहुत कुट कुट का भाव भरा हुआ था। The first victim of his imperialism was Austria. और उसका पहला शिकार बनने वाला, इसकी इंपेरियलिज्म का पहला राष्ट्र जो शिकार हुआ था वो ऑस्ट्रिया, अलोंग विद जर्मन आर्मी ही एंटर्ड ऑस्ट्रिया ऑन 12 मार्च 1938 को उसने एंट्री की। ऑन एवरी नेक्स्ट डे म्यूनिच कन्वेंशन जर्मनी हैड कैप्चर्ड चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया 1 अक्टूबर 1938, एंड आफ्टर दैट इट हैड कैप्चर्ड द ममाल पोर्ट ऑफ द लुथिनिया इन मार्च 1939 में उसने मोल, और दज ए ग्रैंड जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर, और हिटलर के द्वारा देखो इन छोटे छोटे राज्यों को हड़प कर एक विशाल जर्मनी की स्थापना की, ए बिग जर्मन नेशन। जर्मनी ने
इतना बड़ा राष्ट्र क्रिएटेड एंड हिज इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी वॉज मेन कॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इस तरह से देखो उसकी जो इंपेरियलिस्टिक साम्राज्यवादी नीति ने विश्व को सेकंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। इसके बाद में जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, द एबोव मेंशन कॉज हैड बीन द होल वर्ल्ड टू शिट द हीप ऑफ द एमिनेशन। देखो पूरा विश्व हीप ऑफ एमिनेशन शस्त्रों के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब हर कंट्री में शस्त्र के ढेर लग चुके थे, जैसे हमने पहले प्रीवियस रीजन्स के अंदर ये पढ़ा। ड्यू टू द कॉम्पिटिशन एवरी कंट्री वॉन्ट टू बी मोर एंड बेटर एंड टू बेटर वेपन एंड वॉन्ट टू बी इंक्रीज द मिलिट्री पावर, कितना बढ़ चुका था। ए स्मॉल स्पार्क कुड, एक छोटा सा स्पार्क भी क्या कर सकता था, ब्लो अप द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को जला सकता था। एंड दिस स्पार्क जर्मन अटैक द पीसफुल पोलैंड, और जर्मनी ने क्या किया, जर्मनों ने किसके ऊपर अटैक किया, पीसफुल पोलैंड जो पीस शांति से बैठे हुए। September 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग को दस वर्ल्ड वॉर इट सेकंड बिगेन, और वहीं से सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन एंड फ्रांस वांटेड जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली बट जर्मनी इग्नोर द वार्निंग। देखो यहाँ अब फ्रांस और इंग्लैंड ने बढ़ते हुए जर्मन से डर करके उसे रोकने का प्रयास किया, बट इट कुड नॉट, लेकिन वो उसे रोक नहीं सका। जर्मन इग्नोर्ड वार्निंग, जर्मन ने फ्रांस और इंग्लैंड की वार्निंग को इग्नोर कर दिया। एंड हियर ब्रिटेन फ्रांस प्लंग्ड इनटू वॉर, और वो भी युद्ध के अंदर हिस्सेदारी शुरू कर दी। कंसिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, और इस तरीके से पूरे विश्व के अंदर विश्व युद्ध सेकंड की गूंज। अब इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपने देखा कौन कौन से कारण थे, तो फायर्स नेशनलिज्म ने इंपॉर्टेंट रोल खेला, ग्रुपिज्म, मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ हिटलर, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, दैट वॉज द इमीडिएट कॉज। तो इस तरीके से हमने आज जो पढ़ा है वो है कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए, राइट द, ठीक है, कॉजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आपका होमवर्क है, राइट द शो नोट एंड शो मी इन योर होमवर्क ग्रुप। होमवर्क ग्रुप में मुझे आप बताएंगे इस क्वेश्चंस को लिख करके, ऑल द रीजंस एंड एक्सप्लेन देम, राइट द कोजेस एंड एक्सप्लेन देम, उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे, इस योर होमवर्क। जय श्री स्वामी नारायण।